हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम लोग आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले, यदि आप चाहते हैं कि आपको विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उनके पीडीएफ्स यदि अवेलेबल हो जाए, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, तो उसके अंदर मेनू सेक्शन के अंदर एक स्टडी मटेरियल सेक्शन है। इस स्टडी मटेरियल सेक्शन को आप जब क्लिक करोगे तो इसमें विज्ञान एक्सप्रेस के आपको सारे ही वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। ऑलराइट, सो आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशन लाइंस। सक्सेस इज द सम टोटल ऑफ स्मॉल एफर्ट्स। यदि लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो एकदम से नहीं मिलेगी। इफ़ यू नीड सक्सेस, इफ़ यू वॉन्ट सक्सेस, देन स्मॉल एफर्ट्स को आपको लगाना पड़ेगा। छोटी 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 एफर्ट्स लगाओगे, बड़ी सक्सेस मिलेगी। कहते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। वैसे ही छोटी छोटी एफर्ट्स आपको सक्सेस दिलाएगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना। इन्हीं लाइंस के साथ में आज का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, और वो है एग मेम्ब्रेन्स, अंडे झिल्लियाँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, कुछ मेम्ब्रेन्स होती है। एग के ऊपर कुछ मेम्ब्रेन्स होती है या एनवलप्स होते हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं, एग मेम्ब्रेन्स कहते हैं या अंडे झिल्लियाँ कहते हैं। ये टॉपिक भी आप लोगों की डिमांड पर है। कुछ बच्चों ने लिखा था कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर, एग मेम्ब्रेन के ऊपर आप एक वीडियो लेकर आइए। तो डेडिकेटेड टू यू, जिसने ये डिमांड की थी उसको डेडिकेटेड है एग मेम्ब्रेन्स। यदि आप भी चाहते हो कि आपकी पसंद का वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आऊँ, तो कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए वो वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग मेम्ब्रेन्स। यदि हम एग मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं, तो एग के ऊपर जो झिल्लियाँ होती है वो तीन तरीके की हो सकती है: प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन और टर्शरी एग मेम्ब्रेन। प्राथमिक अंडे झिल्ली, द्वितीयक अंडे झिल्ली और तृतीयक अंडे झिल्ली। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक अंडे झिल्लियों की। प्राथमिक अंडे झिल्लियां, ये जो प्राथमिक अंडे झिल्लियां हैं, ये कौन स्रावित करता है सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। नाउ इट इज़ फॉर्म्ड अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग एंड इज सिक्रेटेड बाय ओवम इट्सेल्फ। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ पाई जाती है और इसका स्त्रावन स्वयं ओवम करता है। सिक्रेटेड बाय ओवम इट्सेल्फ, इस झिल्ली का स्त्रावन स्वयं अंडाणु करता है। क्लियर है, ये बात याद रखोगे? क्या कहा मैंने? इट इज़ फॉर्म्ड अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग। ये एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या होती है, निर्मित होती है। और इसको बनाता कौन है? तो सिक्रेटेड बाय द ओवम इट्सेल्फ, खुद अंडाणु ही इसका स्रावन करता है। क्लियर? तो प्राथमिक अंडे झिल्ली का निर्माण स्वयं अंडाणु के द्वारा होता है। अब इसके उदाहरण क्या क्या हैं? तो सबसे पहला, एक तो जेली एनवलप। जेली एनवलप इकाइनोडर्मेट्स के अंदर, जितने भी इकाइनोडर्म्स होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, एक जेली एनवलप पाया जाता है। तो जेली एनवलप एक प्रकार की प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, राइट? और ये ओवम के द्वारा सेक्रेट होती है, इकाइनोडर्मेट्स में पाई जाती है। दूसरा, जूना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा नहीं है ना, कोरोना रेडिएटा अभी सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन में आएगी। जूना रेडिएटा, झूना रेडिएटा किसके अंदर पाई जाती है? तो शार्क्स के अंदर और कुछ उभयचर, सारे नहीं है ना, कुछ उभयचर और कुछ सरीसृप। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन सम एम्फीबियंस एंड सम रेप्टाइल्स। बाकी शार्क में तो होती ही होती है। ठीक है, शार्क में तो पाई जाती है झूना रेडिएटा, लेकिन कुछ एम्फीबियंस और कुछ रेप्टाइल्स में भी पाई जाती है। जूना पेलुसिडा, जूना पेलुसिडा ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जोना पेलोसिडा जो है वो क्या है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है या टर्शरी एग मेम्ब्रेन है। तो जोना पेलोसिडा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मैमल्स के अंदर पाई जाती है, मैमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमंस, है ना, इंक्लूडिंग ह्यूमंस मानवों सहित सभी स्तनधारियों के अंदर ये पाई जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, जोना पेलोसिडा। और एक और होती है जिसको बोलते हैं वाइटलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है ना, वाइटलाइन मेम्ब्रेन। ये किस में पाई जाती है, तो मोलस्का के अंदर, एम्फीबिया के अंदर और बर्ड्स के अंदर, मोलस्का के अंदर, एम्फीबिया के अंदर और बर्ड्स के अंदर वाइटलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट कर दें, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जो होती है इट इज़ फॉर्म्ड अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग। ये एग की प्लाज्मा झिल्ली के चारों तरफ निर्मित होती है और इसका स्रावन स्वयं अंडाणु करता है। इट इज़ सिक्रीटेड बाय ओवम इटसेल्फ। इसके जो एग्जांपल्स हैं, सबसे पहला जो है वो एक तो जेली एनवेलप है जो कि इकाइनोडर्मेट्स में मिलती है, जोना रेडिएटा शार्क्स के अंदर तो मिलती है लेकिन कुछ उभयचर और कुछ सरीसृपों के अंदर भी ये पाई जाती है। ऑल्सो फाउंड इन सम किस में पाई जाती है भाई, कुछ सरीसृपों के अंदर और कुछ उभयचरों के अंदर भी ये मिलती है। तो इट इज़ ऑलवेज फाउंड इन सम एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, और जोना पेलोसिडा मैमल्स के अंदर, वाइट लाइन मेम्ब्रेन मोलस्का, एम्फीबिया और बर्ड्स के अंदर। अब सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन्स के ऊपर आ जाते हैं, द्वितीयक अंड झिल्लियाँ। अब द्वितीयक अंड झिल्लियाँ क्या है, इट इज़ फॉर्म्ड अराउंड एग बाय फॉलिकल सेल्स ऑफ ओवरी। जैसे प्राइमरी एग मेम्ब्रेन को ओवम खुद ने स्थापित किया था ना, ये जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है इट इज़ फॉर्म बाय फॉलिकल सेल्स ऑफ ओवरी। इट इज़ फॉर्म्ड अराउंड एग बाय फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवरी। इसका निर्माण अंडाशय की पुटकीय कोशिकाओं द्वारा होता है। अंडाशय की पुटकीय कोशिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, फॉलिकल सेल्स ऑफ ओवरी। इसका निर्माण किससे हुआ है, फॉलिकल सेल्स ऑफ ओवरी से। कौन कौन एग्जांपल है, कोरियोन फाउंड अराउंड द एग ऑफ इंसेक्ट, कीटों के अंडों के चारों ओर स्थित कौन सी होती है भाई, कोरियोन, राइट। तो ये क्लियर है, इज इट क्लियर और नॉट, कोरियोन फाउंड अराउंड द एग्स ऑफ इंसेक्ट्स। ये ध्यान रखना, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, एंड दैट इज एक और मेम्ब्रेन यहाँ पर बताना चाहूँगा मैं, कोरोना रेडिएटा, ठीक है ना। ये कोरोना रेडिएटा जो है वो किसके अंदर मिलती है, तो ये एक ऐसी सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है जो मैमल्स के अंदर मिलती है। ठीक है, जिस तरीके से जोना पेलोसिडा एक प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, तो कोरोना रेडिएटा जो कि मैमल्स के अंदर मिलती है वो क्या चीज़ है, एक सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है। तो कोरोना रेडिएटा भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप, एग्जाम्पल एक इसका सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन का, कोरोना रेडिएटा फाउंड इन मैमल्स एंड कोरियन फाउंड अराउंड द एग्स ऑफ इंसेक्ट्स। दोनों ही एग्जाम्पल एक इसके सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन के। टर्शरी एग मेम्ब्रेन्स, तृतीयक अंड झिल्लियाँ अब ये जो तृतीयक अंड झिल्लियाँ हैं ये कहाँ पर और किस किस में मिलती है, तो ये देखो, द मेम्ब्रेन सेक्रेटेड बाय ओविडक्ट्स और यूट्रस। यह झिल्ली
यह झिल्ली अंडवाहिनियों अंडवाहिनिया अंडवाहिनियों अंडवाहिनियों ऑब्लिक गर्भाशय द्वारा स्रावित। इस मेम्ब्रेन को कौन बनाता है? द मेम्ब्रेन सिक्रेटेड बाय ओविडक्ट्स और यूट्रस। ये ओविडक्ट्स या यूट्रस के थ्रू सिक्रेट होती है। तो थ्री कंसेंट्रिक लेयर्स, याद रखना, थ्री कंसेंट्रिक लेयर्स एक के बाद एक ऑफ एल्बुमिनस जेली फाउंड अराउंड द एग ऑफ फ्रॉग। क्या मैंने कहा? थ्री कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ एल्बुमिनस जेली फाउंड अराउंड द एग ऑफ फ्रॉग। थ्री कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ एल्बुमिनस जेली, थ्री कंसेंट्रिकली, तीन कंसेंट्रिक लेयर एल्बुमिनस जेली की जो कि फ्रॉग के अंडे के चारों तरफ पाई जाती है, वो एक टर्शरी एग मेम्ब्रेन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो तीन संकेंद्री वलय, कंसेंट्रिक का मतलब होता है संकेंद्री वलय, राइट, ऑफ एल्बुमिनस जेली जो कि फ्रॉग के अंडे के चारों तरफ पाई जाती है, वो टर्शरी एग मेम्ब्रेन का बहुत अच्छा उदाहरण है। और साथ के साथ याद रखना, एल्बुमिन परत, एल्बुमिन शेल मेम्ब्रेन, है ना, शेल मेम्ब्रेन और आउटर मोस्ट कैल्केरियस शेल रेप्टाइल्स और बर्ड्स में जो मिलती है, वो भी एक अच्छा एग्जांपल है किसका? टर्शरी एग मेम्ब्रेन्स का। क्या कहा मैंने? एल्बुमिन शेल मेम्ब्रेन्स एंड आउटर मोस्ट कैल्केरियस शेल ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। एल्बुमिन शेल मेम्ब्रेन्स, एल्बुमिन शेल मेम्ब्रेन्स एंड आउटर मोस्ट कैल्केरियस शेल ऑफ रेप्टाइल्स, जो जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स की जो आउटर मोस्ट शेल मेम्ब्रेन है ना, क्या कहा मैंने? ये देखो, द एल्बुमिन शेल मेम्ब्रेन एंड आउटर मोस्ट कैल्केरियस शेल ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द टर्शरी एग मेम्ब्रेन। तो ये तीन आपको मैंने मेम्ब्रेन पढ़ाई, क्लियर। पहली मेम्ब्रेन प्राइमरी एग मेम्ब्रेन थी जिसको सिक्रीट कौन करता है? ओवम इटसेल्फ करता है। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन को कौन सिक्रीट करता है? फॉलिकुलर सेल्स ऑफ द ओवरी। और टर्शरी एग मेम्ब्रेन को ओविडक्ट्स और जो यूट्रस होती हैं वो क्या करती है? सिक्रीट करती है। हमने एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पर पढ़ा है। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए बहुत बहुत सारे नए नए वीडियोज़ लेकर आएँ। इसी तरीके से प्यार और स्नेह बनाए रखिए, वीडियोस को खूब सारा लाइक और शेयर कीजिए ताकि किसी की लाइफ में ये वीडियोस बहुत काम आए। आज के लिए इतना ही, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में विज्ञान एक्सप्रेस में ठीक 11 बजे।